अब एक अच्छी खबर आप सुनिए। एक साल के एक मासूम को गाय से जीवन दान मिला है। जी हाँ, दिल्ली के पास गुरुग्राम के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ये संभव हो पाया। सऊदी अरब की हूर की जिंदगी गाय की एक नस से कैसे बची, आप देखिए इस रिपोर्ट में। अपनी माँ की गोद में बैठी हूर महज एक साल की है। हूर सऊदी अरब की रहने वाली है। इस मासूम को लिवर की बीमारी हो गई है। सऊदी अरब के डॉक्टर्स ने इलाज भारत में कराने की सलाह दी। दिल्ली के पास गुरुग्राम के एक बड़े निजी अस्पताल में हूर का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा सफल ऑपरेशन बन गया जिसमें लिवर तक खून पहुंचाने के लिए गाय की नसों का इस्तेमाल किया गया। कैडवर वेन है वो इंडिया में अवेलेबल, मतलब इन 7 दिन ज्यादा रह नहीं सकते। हमने काफी सेंटर्स में बात करी, साउथ में जहाँ थोड़ा बहुत डोनेशन होता है कि किसी के पास ये वेन है क्या, लेकिन सभी सेंटर्स ने मना कर दिया, नहीं हमारे पास में कोई फ्रेश वेन ग्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। तो कार्डियक में कुछ लोगों ने वो वेन यूज करी हुई है कार्डियक सर्जरी में, तो हमने सोचा कि हम इसको लिवर में क्यों ना ट्राई करें बच्ची के लिए। तो हमने बताया फैमिली को कि देखिए ऐसी एक वेन है, बोवाइन वेन है, ये एनिमल वेन है, आप एग्रीएबल हो कि नहीं हो, जिसके लिए फैमिली ने समझा और एग्री किया। हाँ, ऑब्वियसली आई मीन उसका हमने सेपरेट कंसेंट लिया कि एक एनिमल का जो वेन है वो आपकी बच्चे की बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ रहेगा। हूर का लिवर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टरों की माने तो दिल्ली एनसीआर में ये ऐसा पहला लिवर ट्रांसप्लांट है जो इतनी कम उम्र की बच्ची का किया गया है। ऑपरेशन में इस्तेमाल गाय की नसों को विदेश से मंगाया गया था। एक साल की हूर को एक व्यस्त लीवर का 8वां हिस्सा लगाया गया है। ये जरूरी था कि हम बहुत कम लिवर दें, नहीं तो ये लिवर बच्चे के लिए बहुत बड़ा हो जाता, लार्ज फॉर साइज, मतलब उसका जो साइज है उसके हिसाब से लिवर बहुत बड़ा, ये एक बहुत रिस्की चीज है। लिवर हम कहते हैं कि जब किसी को देते हैं लिवर ग्रो कर जाता है, जब एडल्ट में दिया जाता है लिवर ग्रो करता है, लेकिन जब बच्चे में देते हैं तो हम चाहते हैं कि लिवर छोटा हो, लिवर एडजस्ट कर सकता है। तो लिवर एक्चुअली ग्रो नहीं करता है, लिवर एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। लिवर ट्रांसप्लांट के महज 2 हफ्ते बाद ही हूर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आलोक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।